धार्मिक अनुष्ठान के दौरान साधु संघ दुर्व्यवहार करने वाले कोतवाल अंततः झुके, पहुंचकर मांगी माफी। आजमगढ़ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के रैदोपुर स्थित आनंद मार्ग भवन में रविवार को धार्मिक अनुष्ठान के दौरान सर कोतवाल द्वारा पहुंचकर आचार्य ज्योतिषमान ब्रह्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर आचार्य और मौजूद साधकों में अफरा तफरी मच गई थी। डरे समय पीड़ित साधु और अन्य आनंद मार्गियों ने आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की सूझबूझ से हल कर दिया गया। मंगलवार को उच्च अधिकारियों संग आनंद मार्ग भवन पहुंचे नगर कोतवाली शशि मौली पांडे ने अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर काफी खेद प्रकट किया है। आचार्य ज्योतिषमान ब्रह्मचारी से माफी भी मांगी है। वहीं आचार्य ने भी इस मामले को वापस लेते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के कार्यों की सराहना की है। मेरा नाम आचार्य ज्योतिषमान ब्रह्मचारी है और आप लोगों ने जो न्यूज़ पिछला बार देखा था वो उस न्यूज़ को देख करके काफ़ी जनता में एक तरह का आक्रोश बन गया था, लेकिन जो हम लोगों ने ऊपर तक कंप्लेंट किया, यहाँ तक केसी सिटी जाकर के वहाँ कंप्लेंट किया था, तो सर ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और हम लोग भी प्रयास किए कि अगला व्यक्ति के साथ कार्रवाई जो हो वो ऐसा हो कि उसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा भी ना हो, और अगर मान के चलिए अगर उसका गलती का एहसास होता है तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि संन्यास धर्म का पहला एक लाइन ही है कि क्षमाशीलता होनी चाहिए, और जहाँ तक वहाँ इनका हमारे आश्रम पर आना हुआ और जी शशि मौली जी और एसपी सर आए और आकर के और जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ बात किया, व्यवहार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्होंने आकर के हमारे गुरुदेव से भी क्षमा मांगी, ये काफ़ी सराहनीय कार्य किया इन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि आगे से प्रयास किया जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, और हम चाहते हैं कि इनका सहयोग हमारे साथ बना रहे और हमारे ओर से भी सहयोग वैसा बना रहे। जी सर, हाँ जी, हाँ, इस मामले को वापस ले रहे हैं क्योंकि हम इस मामले को ज़्यादा तोल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज उनके लिए हर इंसान से गलती होती है, जहाँ तक मेरा मानना है हर एक इंसान से गलती होती है, वहाँ उस इंसान मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी गलती हो सकती है, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए मैं उनको आश्वासन दिया गया है कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और जो भी हुआ है उसके लिए वो काफ़ी मतलब बेहद शर्मिंदा है और क्षमा प्रार्थी।